हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं चरणजीत वर्मा, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड कर रहा हूं। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें और एकाग्रता से डिक्टेशन को लिखें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में चर्चा चल रही है। बजट अधिवेशन के समय लोकसभा में राष्ट्रपति व विधानसभा में राज्यपाल, सरकार की क्या कुछ रीति नीति है, उसके क्या कार्यकलाप हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इसी आधारभूत नीति पर अपने अभिभाषण को आधारित किया है। जिस प्रकार अभिभाषण गत वर्ष इस विधानसभा में रखा गया था और जितनी उसमें योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया था, हम देखते हैं कि उनमें बहुत थोड़ा काम इस प्रदेश में हो पाया है। उसकी चाहे कोई भी वजह हो, सीमित साधन हो या कार्य करने वाले दक्ष न हो या कोई और कारण हो, परंतु यह देखने में आया है कि अभी तक जो घोषणाएं इस प्रकार से की गई उन पर अमली रूप में किसी पर भी कार्य नहीं हुआ। लोग हमारी सरकार के बारे में या सरकारी कामों के बारे में कोई आभार मानते हो, ऐसी बात नहीं है। इसकी वजह वे कहते थे कि अभी तक हमारी जो मांगे हैं वे ठीक तरह से पूरी नहीं हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि काफी खर्च हो रहा है और काफी प्रगति भी हो रही है, इससे इनकार नहीं हो सकता। परंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से काम होना चाहिए कि संपूर्ण प्रांत को ठोस लाभ हो। जब तक हम ऐसा नहीं करते और इस चीज पर गंभीरता से विचार नहीं करते, तब तक मैं समझता हूं कि वहां चाहे लाखों रुपया खर्च कर दें, उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की ओर ठीक तरह से ध्यान दिया जाए ताकि काम आगे बढ़ सके। इसके साथ ही यहां इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हमारे प्रदेश में 3 योजनाओं की समाप्ति पर 50 करोड़ रुपया व्यय होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी रकम है और जहां पर इतने रुपए खर्च हो वहां काफी प्रगति होनी चाहिए। मुझे क्षमा करेंगे, मैं स्पष्टवादी हूं और यथार्थवादी हूं और वैसे तो हां में हां मिलाकर काम चला सकता हूं, लेकिन इस सदन का जो मकसद है वह सुझाव देना है और मैं समझता हूं कि अगर मैं सुझाव नहीं देता हूं तो मैं अपने फर्ज को कोताही करूंगा। मैं अर्ज करूं कि ज्यादातर खर्च स्टाफ और महकमों पर ही किया गया है।
यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जंगल हैं, उनमें वनस्पतियां हैं, उनसे कितना कच्चा माल तैयार किया गया है ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो, यह देखना है। यहाँ पर पीछे चर्चा हुई कि हम दवाइयां बाहर से मंगवाते हैं, कच्चा माल तक अपनी फैक्ट्रियों के लिए बाहर से मंगवाते हैं। कितने दुख की बात है। क्या हम आशा करें कि मंत्री महोदय स्वयं इस ओर ध्यान देंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस हालत में हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय की हालत को देखता हूं तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे देश हम पर हमला करना चाहते हैं, और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में बगावत फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिस हालत में भी रखा गया हो बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदार कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई खास समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूं उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी यह मैं जरूर देखना चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां हमने यह निश्चय किया था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पूरी कर दी जाएंगी। उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब तबका है जिसकी गरीबी के बारे में सभी
जानते हैं उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा और इस दिशा में हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक अवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने इस बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न कम नंबर दे सकते हैं। स्टॉप।